OnePlus 9RT। हाँ गाइज, आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि OnePlus की तरफ से OnePlus का 9RT आने वाला है और हम बहुत ज़्यादा दिनों से उसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। अब फाइनली कुछ खबरें आ चुकी हैं जो कंफर्म आ रही हैं, तो इस पर पूरा देख लीजिएगा, जल्दी वो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप नहीं किया है। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो OnePlus का 9RT होने वाला है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया स्मार्टफोन होने वाला है और यहाँ पे हमें बहुत कुछ भी देखने मिलेगा। चलिए सबसे पहले स्पेसिफिकेशन में आते हैं, बाद में बात करेंगे प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ यहाँ पे इस फोन के बिल्ड और डिज़ाइन के बारे में। तो यहाँ पर आपको 9R टाइप जैसे लुक देखने मिल जाता है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। मुझे लगा था कि अगर चेंज करते तो ज़्यादा बेटर रहता, बट लुक वाइज इतना बदलाव नहीं किया गया है। देखने में ये फ़ोन एवरेज टाइप का मुझे लगता है, अच्छा लगता है। डिस्प्ले में जो आपको यहाँ पर 6.67 इंच का फुल HD प्लेट डिस्प्ले मिल जाता है, सुपर एमोलेड मिल जाता है, सेंटर पंचोल मिल जाती है, 120 रिफ्रेशिंग रेट मिल जाता है आप लोगों को, साइड पंचोल मिल जाती है और यहाँ पर आप लोगों को जो है बढ़िया क्वालिटी वाली डिस्प्ले देखने मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से हाँ, डिस्प्ले में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, बढ़िया डिस्प्ले, स्मूथ डिस्प्ले और आपकी परफॉर्मेंस क्वालिटी जो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। चिपसेट में आ जाता हूँ, जो मेन मेजर अपग्रेड किया गया है वो है स्नैपड्रैगन का 888 5G वाला चिपसेट, जो मेरे हिसाब से पर्सनली बहुत ज़्यादा बढ़िया बात है, क्योंकि पिछले बार स्नैपड्रैगन 870 यूज़ किया था 9R में, बट इस बार 9RT में जो है वो आपको 888 5G वाला चिपसेट दिया गया है, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड बहुत ज़्यादा बढ़िया है गेमिंग के लिए। और दूसरी बात, हैवी टास्क भी आराम से हो जाएगा मोबाइल में, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़िया बात हो जाती है। कैमरास में आ जाता हूँ, तो मेन कैमरा आपको 50 MP का मिल जाता है, सोनी का सेंसर मिलता है, OIS का सपोर्ट भी मिल जाएगा आपको, 4K भी आप रिकॉर्ड कर लोगे, अल्ट्रा वाइड आपको मिल जाता है, माइक्रोलेंस भी आपको देखने मिल जाता है। तो कैमरा वाइज ये फ़ोन बढ़िया है, क्वालिटी बढ़िया आपको देखने मिल जाएगी, वन प्लस के कैमरा की क्वालिटी अच्छी ही होती है। सेल्फी में जो आपको साइड पंचोल के साथ 32 MP की सेल्फी भी मिल जाएगी, तो कैमरा क्वालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाने वाली है। चलिए बैटरी की बात कर लेता हूँ, तो 4500 mAh की बैटरी मिलेगी, टाइप सी मिलेगा आपको, यहाँ पे 65W की फास्ट चार्जिंग देखने मिल जाएगी, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। 40 मिनट्स के अंदर आपका फ़ोन आराम से फुल चार्ज हो जाना चाहिए, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट बन जाता है इस फ़ोन को लेने के लिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में मुझे ना लगता है 50W से कम देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाई लाइक अदर ब्रांड आई, अब देखिए आप न्यूज़ आई थी कि नोट 11 सीरीज जो आ रही है, जिसमें जो सबसे महंगा वाला होगा नोट 11 प्रो प्लस या मैक्स जो भी होगा, तो उसमें 120W का आपको फास्ट चार्जिंग देखने मिलने वाला है। तो भाई मुझे लगता है कि आप फ्यूचर में आपको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा देखना चाहिए, तो मेरे को लगता है कि 50W मिनिमम आज के ब्रांड को देना चाहिए, इसलिए इसमें 65W आपको अच्छा है, मेरे हिसाब से 65 मिल जाता है आप लोग को, मेरे हिसाब से अच्छी बात है। बैटरी भी ठीक ठाक दी गई हुई है। UI में एंड्रॉयड में आपको बॉक्स मिल जाएगा, नहीं ऑक्सीजन OS के साथ रन करने वाला है। चाइना में तो कलर OS के साथ लॉन्च हुआ है, बट इंडिया में आपको ये ऑक्सीजन OS के साथ ही मिलेगा। यह पूरा OnePlus 9RT, मेरे को तो बढ़िया लगा फ़ोन। बस अब प्राइस में बताऊंगा तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस मतलब फ़ोन को लेने की प्लानिंग में सोच रहे होंगे, तो वो कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इस फ़ोन का जो प्राइस निकल के आई है यार, वो बहुत ज़्यादा ओवर आई है। 41,999 रुपीज़, मतलब जो बेस वेंट है ना 8GB 120, 42,000 रुपीज़। आप लोग बताओ लेने वाले हो नहीं लेने वाले। मेरे हिसाब से पर्सनली अगर 35 to 37 होता बेस वेंट 8GB 128, तो मेरे हिसाब से सही रहता, बट ये जो आप बोल सकते हैं 7-8 हज़ार रुपये ना ये एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा। एंड अगर इस फ़ोन का प्राइस 35 से, क्योंकि देखिए आप लोग जानते हैं iQOO 7 Legend भी आपको मिल जाता है, बट मैं आपको बोलूँगा कि iQOO को OnePlus से मत कंपेयर करना, क्योंकि iQOO एक नया ब्रांड है और उसमें मैंने जितना सुना है कि सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम भी है शायद से कुछ कुछ, बट OnePlus में आपको ये सब नहीं मिलेगा, क्योंकि OnePlus एक बहुत पुराना ब्रांड है, पुराना ब्रांड है और भरोसेमंद ब्रांड है, दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ। तो ये बात याद रखिए, और इसका ऑप्टिमाइजेशन और सॉफ्टवेयर की तो बात ही मत करिए OnePlus की, कितना बढ़िया होता है, ठीक है। और फाइनली मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर इसके लॉन्च के बारे में, तो लॉन्च कंफर्म हो गया कि अक्टूबर में नहीं आने वाला है, ठीक है, ये नवंबर के एकदम स्टार्टिंग में आपको देखने मिल जाएगा। तो अगर आप लोग इंतज़ार कर रहे थे तो थोड़ा और इंतज़ार कर लो भाई, आप अक्टूबर को कितने दिन बचे, ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको नवंबर के मंथ में मिल जाएगा। तो बस यही है कि याद क्योंकि यार 42,000 रुपीज़ में, मगर मेरे हिसाब से अभी भी मुझे ना फ़ैन हो OnePlus के, तो फिर मैं कहूँगा कि इंतज़ार कर लो और ले लेना। तो बस गाइस, बताना कमेंट करके कैसा लगा वीडियो, पसंद आया लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि हम आपके लिए कोशिश करते हैं ऐसे डेली वीडियोस बनाने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर से दबा देना, क्योंकि हम कोई भी नया वीडियो लाएं तो आप लोग तक अपडेट मिल जाए। 9RT के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा, अगर 42,000 के बजट में ये फ़ोन आ रहा है तो मेरे हिसाब से ओवर प्राइस है। अगर आप लोग पे करना चाहते हो ज़्यादा तो फिर ले सकते हो, वरना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा पर्सनली अपनी तरफ से, क्योंकि आई थिंक और भी स्मार्टफोन्स हैं जो आप देख सकते हो, सैमसंग की तरफ से भी आपको मिल जाते हैं। आई थिंक A52s एक बहुत ज़्यादा बढ़िया डील है, वो भी देख सकते हो, बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, वो भी बढ़िया है। बहुत सारे OPPO Reno6 भी मिल जाता है, वो भी बहुत अच्छे प्राइस में आपको कट में मिल जाएगा। तो आप लोग देख लेना, बता देना कमेंट करके कैसा लगा, और कौन सा फ़ोन लिया ये भी बता देना सेल में, और 9RT कितना कब से वेट कर रहे हो, लोगे यही लोगे ये भी बता देना कमेंट करके। एंड टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।